हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम सिक्की, आप लोग जानते हैं जो कि मणिपुर का मामला सामने आया और उसको लेकर सब लोगों ने रोष पैदा किया, सब हिंदुस्तान ने रोष पैदा किया। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे मसीही ब्रदर पीटर चीटा जी, इन्होंने भी लाइव होकर बहुत ज़्यादा रोष जो कि मणिपुर के लोगों के खिलाफ जो कि इनके मन में भरा हुआ है, वो उन्होंने आकर लाइव आकर हमारे साथ कुछ बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि जो ये उस सिस्टर के साथ हुआ, जो इन सिस्टर उन बहनों के साथ हुआ, ये उनके साथ ही गलत नहीं हुआ, हमारे पूरे हिंदुस्तान के साथ गलत हुआ। और इन्होंने मोदी को, जो हमारे प्रधानमंत्री या पीएम मोदी को कहा है कि अगर कोई और होता, अगर यही काम किसी और धर्म के लोगों के साथ हुआ होता, यही जो गंदी हरकतें हैं किसी और के साथ होती, तो उन्होंने अब तक बहुत ज़्यादा जो कि हल्ला मचाया हुआ था, पूरी आग तरफ, पूरी चारों तरफ हुल्लड़ ही हुल्लड़ होना था। तो फिर आप लोगों ने कैसे उनके खिलाफ कदम उठाने थे, फिर कैसे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना था, है हम सब लोग जानते हैं। और आप पूरी सूचना आगे इनकी वीडियो में सुनेंगे कि इन्होंने हमारे साथ किन किन बातों को शेयर किया। आइए हम पहले इनकी वीडियो को सुनते हैं। जैम श्री जी, सारे फेसबुक वीर भरा, साड़िया भैन, साढ़े पासवान लीडर साहबान, एक बार फिर सारे प्रभु यीशु के नाम से जय श्री। अज भी जड़े मसले ते मैं लाइव होया, असी सारे जानते हैं एक बड़ी अग झुलसी पई आ काफी लंबे समय तो मणिपुर, मणिपुर के विच जो साढ़े मसीह लोगों ना हो रहा, बड़ा ही शर्मसार कर देने वाली करतूतां जिहड़ियां उत्थों दे गुंडियां वालों कीतियां जा रही ने, और हुण ते हद ही टप गई कि दो जिहड़ियां भैणां जिन्हां नूं नमन करके बाजार च भजाया गया, फिर उन्हां दे नाल रेप किया गया, समूहिक बलात्कार किया गया, यह मैं कहना कि साढ़े माणयोग प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी समाज के नाल बलात्कार नहीं होया, पूरे देश के नाल, देश नूं समझ लो शर्मसार कर देने वाला बलात्कार होया। और तुहाडी चुप्पी ने बहुत बुरा हाल किया, जे इहो ही तुसीं सख्त कदम चुके हो, जे इहो ही काम किसी होर कम्यूनिटी के किसी बंदे दे नाल, किसी लेडीज दे नाल होया हुंदा, उन्होंने अगों जिहड़े हालात करने सी, जिहड़े दंगे फसाद कई कुछ अगों करना सी, फिर तुसीं बड़ी छेती एक्शन लेना सीगा। साडा कसूर इन्ना कि असीं शांति पसंद लोग आ, असीं साडा वचन सानूं दसदा कि असीं शांत रहिए, असीं प्यार वंडिए, साडा कसूर इन्ना। और मेरी बेनती अपने भाईचारे के लोगों नूं भी कि असीं भी हुण उह दलदल चों बाहर आ जाइए जिहड़ी 75 साल तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੌਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਭਾਜੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ,
मैं कहा मित्र प्यारे असि कानून बढ़ाने की व्यवस्था च नहीं है, उतों तक तुम कभी किसी को पहुंचा ही नहीं सके। जिते टेबल खड़का के तुम अपनी गल कर पाओ, जो असि आए असि यह रौला पाने, असी अपने बंदे दिया कविया कढ़ा गे, अपने बंदे दिया कवि नूं असी हजार वार सुनावांगे, पर साडे नाल जो शोषण साडा इन्हां पार्टियां ने कीता असी कदी उहनां नूं जवाब नहीं दिता, कितनी देर चुप रहांगे। मेरी अज भी हाथ जोड़ के बेनती आ, मणिपुर दे विच जिहड़ा होया इहनूं जवाब देण दी लोड़ आ, इक संघर्ष विचण दी लोड़ आ। कोई भी मेरा भरा मेरी भैण असी आवाज इत बन के गूंजे असी उहदे नाल चलांगे, सानू अपनी ताकत विखाउण दी लोड़ आ। तुसी इन्नी वड्डी गिणती च हो के भी अज पता तुसी शांत क्यों, बहुत देर होया कि कहड़ा साडे नाल होया, अज ओह भैणां दे नाल नहीं। जे मूंह तोर जवाब ना मिले, यह देश का एक हिस्सा है मणिपुर, मणिपुर तो अग झुलकदी झुलसदी तुहाडे घरां च वड़दी जे जे तुसी अपने आप नूं मजबूत ना कीता, तुहानूं दवा दे नाल नाल पतरस दे वांग तलवार भी चकनी पई। मैनूं पता मैं प्रचारक नहीं हाँ, मैनूं दा वचन दा बहुता ज्ञान आ, पर मैं कदर कहना गुस्से च प्रभु यीशु मसीह भी आए सीगे, उन्होंने भी गुस्सा विखाया सी। असीं पुछ दे सकदे हां साडा कसूर की है, साडे नाल इदां दे काम क्यों ने। तुसीं सारे ही एकजुट होवो, और मैं पंजाब प्रदूषण फैडरेशन वालों बतौर प्रधान मैं अपनी टीम के नाल गल करांगा, धवान साहब का जॉर्ज गिल जी का साडे जिला प्रधान का साडे सैकटरी सभागा का, असी सारे मिलकर एक जल्द मीटिंग करांगे और एक वड्डा प्रोटेस्ट करांगे। ये देश के विच रह के वो मणिपुर नहीं और तुहाडे घरां च काम होया है, आप अपनी अणख नूं जगाओ। वचन च भी कई नबियां ने गल किया, हे यहोवा मैं तेरी अणख नाल सड़िया पिया वां, सानू अणख लियाउणी पैणी है। तुसीं सारे ही टोर आपां छड्ड दईए, असीं छड्ड दईए, साडे एक दूजे दा मतभेद हो सकदे ने, साडी एक दूजे दा प्रधानगियां दी हो सकदी है, असीं अपने बंदे की प्रधानगी मारन के लिए दूजे को कुर्सी पर बिठा देने जिहड़ा साडा शोषण करदा, साडे ते राज इह पार्टियां का कर रही ने। मैं कि पार्टी की तुम गल करो जी आवाज बनती है, कि पार्टी है मैं दस दौ, अच किसी भी पार्टी की समझो, जो थोड़ा शोषण हो रहा उदो जुम्मेवार तुम आप जी, क्योंकि असी सिर्फ चंद अपने फायदे के लिए असी लोगों को गुमराह करके वोटा पाने। पिछली जिनी भी इन्हें पंजाब भी इदा के माहौल बने, कि पार्टी थोड़ी आवाज बन के गुजी आ, कौन बोलिया, कहड़ा एम एल ए बोलिया, चाहे वह हरिया चाहे वह जितया एम एल ए ही आ, जिन्हें कैंडीडेट जिन्हें एम एल ए की इलेक्शन लड़ी है उन्होंने लोग एम एल ए कहें, कि बोलिया चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। सो सानू जागत की लोड़ आ, बड़े दुखी हिरदे का मैं कहना कि वह बलात्कार पूरे देश का होया वा, वह भैन का नहीं, और साढ़े जोड़े दूजे भी भरा ने जोड़े मनुखता के नाल ने, चाहे किसी भी भाईचारे के, अजे भी जो साड़ी भाईचारक सांझ बधी आ, तो कुछ बुद्धिजीव लोग ने यह चाहते ने कि सब तो पहल जी इंसानियत को दी जाए किसी कौम को नहीं। मेरी उन्होंने भरावों को बेनती आ, साड़ी इस लड़ाई के साडा साथ दौ, साडा सहयोग दौ, क्योंकि धर्मां की राजनीति इन्हां पार्टियां ने की आ, धर्मां च सानू वंडिया है, और जिहड़ा कमजोर वर्ग आवे ते ज्यादा जिहड़ा तशद्दुद कीते ने। सो मेरी बेनती लास्ट दे विच दुबारा असी सारे जल्दी एक तरीक तुहानू दित्ती जाएगी, एक समां तुहानू दित्ता जाएगा, और पंजाब प्रदूषण फैडरेशन पूरे पंजाब दे विच उस दिन वड्डे लैवल ते प्रोटेस्ट करेगी, तां जो साडा जवाब जिहड़ा वा उह इस सरकार नूं मोदी सरकार नूं मिले, बीजेपी सरकार नूं मिले, सेंटर दे विच साडी जिहड़ी इह पार्टी आ जिन्हें जिते हमेशा ही दोष अलग लगते रहे हैं कि घट गिनतियां के खिलाफ ये सरकार आ वो साबित हो रहा कि एक घट गिनती विरोधी सरकार आ। सो सानू मूंह तोड़ जवाब देने की लोड़ आ, सारे ही मेरे भरा दुआ भी करो उत्थे लोगों के लिए, कई वीडियो भी असं वेखते हैं तो साडा हौसला भी वधदा कि वह जंगलों च जाके घरों बकार होकर भी दुआव कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं,
उन्होंने उत्ते यहोवा की ओर इस तरह बनी रहे। तुम सारे उन्होंने दुआ प्रार्थना भी करो, जो आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना, तो जो मैदान जा सकते हैं आओ आओ मिल के असी सारी एक आवाज बन के गूंजिए, एक संघर्ष लड़िए जिदे नाल बीजेपी सरकार दी मुहिम हलेगा। वो तो वादे वीडियो शेयर कर दौ, मेरी बेनती आ जे मेरे ना किसी के गुस्से गले हो गए तो मेरे ना कढ़ लियो, पर यह लड़ाई के आप एकजुट हो जाइए प्लेटफार्म पर आइए सारण प्रभु यीशु के नाम जय। हालेलुया, आप सब ने सुना कि हमारे जो ब्रदर है पीटर चीटा जी ने क्या कहा, उन्होंने हमें ये कहा, उन्होंने लोगों को भी ये कहा, सरकार को भी ये ऐसे समझाते हुए कहा कि हम लोगों के साथ 75 सालों से हम मसीह लोगों के साथ मनगढ़ंत बातें लोग करते हैं, जो चाहे उनके मनों में आता है वो ये मसीह लोगों के खिलाफ बोलते हैं, मसीह लोगों के साथ साजिशें पे साजिशें लोग रचते हैं, पर हम इसीलिए चुप बैठे हैं क्योंकि वचन हमें चुप कराकर बैठाता है, वचन हमें कुछ भी बोलने से बाहर करता है, मजबूर करता है कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। पर हमें अब कैसे, हम कितनी देर अब चुप रहेंगे, क्रिश्चियन लोग कितनी देर अब चुप रहेंगे, और ये जो मणिपुर में कृष्णों के साथ हो रहा है, मणिपुर में मसीह लोगों के साथ हो रहा है, ये तो इतनी ज़्यादा की है, इतने ज़्यादा गंदी हरकतें कोई भी सहन नहीं कर सकता। और जैसे कि बाइबल में उन्होंने लिखा है कि अगर पतरस वचन करता था, पतरस परमेश्वर के काम करता था, तो उसने भी तलवार उठाई अपने अन्याय के लिए, उसने भी तलवार उठाई। और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह को भी इतना गुस्सा आया जब यरूशलेम में परमेश्वर के घर में उन्होंने व्यापार का घर बनाया था, तो परमेश्वर को भी गुस्सा आया था। तो हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी परमेश्वर ने बनाया है, तो हम कब तक चुप कर बैठेंगे। अब उन्होंने मसीह भाई बहनों को भी चैलेंज किया है कि अब मसीह भाई बहन भी खड़े हों और इनके खिलाफ होकर बोले कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उन्हें इंसाफ मिले। और ये सरकार है जो कि मसीह लोगों के विरोध में, मसीह लोगों के विरोध में अगर कोई बोलता है तो सरकार इनके ऊपर कदम क्यों नहीं उठाती, सरकार इनके ऊपर कोई फैसला क्यों नहीं उठाती। अगर हमारी जगह पर कोई और होता तो आज इन्हें पता चलता कि कितने दंगे फसाद उन्होंने करने थे, हर जगह आग ही आग होनी थी। और अगर हम मसीह लोग अगर चुप अभी भी चुप बैठ गए तो जो आग मणिपुर में जल रही है, जो आग अभी मणिपुर में लगी हुई है, वो कल को हमारे घर तक भी पहुंच सकती है, वो ज्वाला हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। इसलिए हमें अब बोलना है, हमें अपने इंसाफ के लिए बोलना है, हमें अपनी सिस्टरों के इंसाफ के लिए बोलना है, मसीह भाईचारे के इंसाफ के लिए हमें अपने कदम को उठाना होगा कि सरकार भी अब हमारी अपील को सुने, हमारी रिक्वेस्ट को सुने। और जो दरिंदों ने इतनी घटिया काम किए, जिन लोगों ने इतना घटिया काम किया, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें सज़ा मिले। हालेलुया, और मैं यही सरकार के आगे मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कब तक चुप बैठेंगे, आप कब तक चुप्पी को थाने रखेंगे, आप बोलिए, आप इन लोगों के खिलाफ बोलिए, ऐसा ना हो कि कल को जो आग मणिपुर में जल रही है वो सब लोगों के घर घर पहुंचकर सब लोगों को चला डाले। हालेलुया, और आप सब ने सुना कि हमारे पीटर चीटा जी ने जो मैसेज दिया, इस मैसेज को आपको आगे से आगे शेयर करना है, देखते देखते वीडियो को आप शेयर करते जाइए कि गवर्नमेंट तक, इन लोगों तक, जो लोग हमारे मसीह भाई बहन हैं उनके तक भी इनके मैसेज को हम लेकर जाएं कि हम भी अब अपनी आवाज़ उठाने वाले बने, हम भी अपने भाई बहनों को इंसाफ दिलाने वाले बने। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर में आशीषित रहिए और बुद्धि से काम करिए। हालेलुया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो रोज़ की नई से नई वीडियो आती है उसे देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और कमेंट में अपनी राय देना कभी मत भूलिए, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं अपनी राय। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।